अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको करेलों की कड़वाहट दूर करने का बहुत ही आसान हल बताने वाली हूँ। बहुत से लोग तो करेले इसलिए भी नहीं बनाते कि करेले बहुत ज़्यादा कड़वे बनते हैं, तो आज इस ट्रिक से आप भी करेलों की कड़वाहट को दूर कर सकते हैं और फिर आप भी करेलों को बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि बहुत सारा सा नमक इसके ऊपर इस तरीके से छिड़क देना है और हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से आपने मसलना है। अब आपने 2 से 4 मिनट के लिए इसको बहुत ही अच्छे से मसलना है। अगर ये टिप अच्छी लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स लाती रहूं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। इसके अलावा अगर आप करेलों की कड़वाहट किसी और तरीके से दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने करना क्या, ठंडा यख पानी ले लेना है, उसमें चाहे तो आइस क्यूब्स भी शामिल कर लें, उसमें करेलों को 1 घंटे के लिए भिगो दें। इस तरीके से भी आप करेलों की कड़वाहट दूर कर सकती हैं। मगर ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका ये है, नमक से ज़्यादा आसानी से आप करेलों की कड़वाहट को दूर कर सकती हैं। इसको आपने इतना मसलना है कि इसमें से पानी निकलने लग जाए और फिर 1 से 2 घंटों के लिए आपने इसको छोड़ देना है ताकि करेलों का पानी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद आपने साफ़ पानी से इनको बहुत ही अच्छे से धो लेना है ताकि इनका नमक भी अच्छे से निकल जाए। इस तरीके से करेले बहुत ही मज़े के बनते हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। आप भी ये तरीका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मेरी नेक्स्ट ऐसी वीडियो तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।